नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली रवाना, सोनिया गांधी को राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली रवाना हो गए। सीएम बघेल कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। वे सोनिया गांधी को राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। इसके साथ ही राजनीतिक मसलों पर दोनों के बीच चर्चा भी होगी। सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, नक्सल क्षेत्रों में आ रही समस्याओं को दूर करने की मांग। छत्तीसगढ़ के नक्सल क्षेत्रों में आ रही कई समस्याओं को दूर करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह को 5 बिंदुओं पर पत्र लिखा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि जानकारी मिली है कि जम्मू कश्मीर के 10 सीआरपीएफ बटालियनों को कार्य मुक्त किया जा रहा है। इस परिस्थिति में छत्तीसगढ़ के लिए पूर्व से आवंटित 7 सीआरपीएफ बटालियनों को राज्य को अतिशीघ्र उपलब्ध कराना चाहिए। कोरोना से मौत के बाद अंतिम संस्कार में 100 से ज्यादा लोग हुए शामिल। कोरोना संक्रमित शख्स की मौत के बाद अंतिम संस्कार कार्यक्रम में बड़ी लापरवाही सामने आई है। गुढ़ियारी के माता चौक इलाके में परिजनों के साथ मोहल्ले वालों ने मृतक का अंतिम संस्कार किया। सोशल डिस्टेंसिंग को तार तार करते हुए अंतिम संस्कार में 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए। मृतक के परिजन भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित होने के बावजूद परिजनों ने मृत्यु भोज का आयोजन किया, लेकिन इसके बाद भी बीते 2 दिनों से जिला प्रशासन की टीम यहां नहीं पहुंची है। कोंडागांव के कलेक्टर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कुछ दिन पहले ड्राइवर मिले थे संक्रमित। प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव कलेक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोंडागांव कलेक्टर पुष्पेंद्र सिंह मीणा कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि कलेक्टर मीणा पहले आईएएस नहीं है जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले कोंडागांव कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के ड्राइवर की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वही कुछ दिन से कलेक्टर मीणा की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने खुद का टेस्ट कराया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रायपुर में पकड़ाया 30,000 का गांजा, एक तस्कर गिरफ्तार। रायपुर में पुलिस ने करीब 5 किलो के गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 30,000 रूपए आकी गई है। घटना सोन डोंगरी के अवध पारा तालाब के पास की है। भारत में एक दिन में मिले 83,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। कुल केस 39 लाख के पार, 68,000 की मौत। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में अब रोजाना ही नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 83,341 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,096 लोगों की जान चली गई है। देश में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 40 लाख के करीब पहुंच गई है। चीन को बड़ा झटका, ताइवान ने मार गिराया सुखोई 35। चीन इन दिनों कई देशों के साथ विवाद में है और अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर कई देशों को नाराज कर रखा है, तो अपने अधीन बताने वाले देश ताइवान ने चीन को झटका दिया है। खबर के मुताबिक ताइवान के क्षेत्र में चीन का एक सुखोई 35 विमान क्रैश हुआ है। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है कि यह लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है या फिर ताइवान ने इसे क्रैश कर दिया है। पिछले दिनों ताइवान के क्षेत्र में चीन के लड़ाकू विमान घुसे थे, जिसके बाद ताइवान ने उन्हें खदेड़ा था। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ताइवान ने चीन के लड़ाकू विमान सुखोई 35 को मार गिराया है। सुशांत केस में एनसीबी का ताबड़तोड़ एक्शन, सोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ड्रग्स कनेक्शन के तहत आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ा एक्शन दिखाया है। एनसीबी ने आज सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती के भाई सोविक चक्रवर्ती को हिरासत में लिया। इसके अलावा एनसीबी ने आज सुशांत सिंह के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा को भी हिरासत में लिया है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।